आए दिन हॉक्स का सामना करते हैं। मुमताज से लेकर विनोद खन्ना को लेकर माधुरी दीक्षित तक को लेकर तमाम तरह के हॉक्स वायरल हुए, लेकिन अमिताभ बच्चन ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें लेकर सालों साल कुछ ऐसी अफवाहें उड़ी है जिससे उन्हें उनके दिल को काफी तकलीफ पहुंची है। रिसेंटली उनका तुलना किया गया, जी हाँ, उनकी एक्टिंग, उनकी काम का तुलना करना उन्हें पसंद नहीं आया। लोगों ने जब उनका तुलना किया आज की युवा जनरेशन के एक्टर्स के साथ, जब लोगों ने अमिताभ बच्चन को उस जमाने की अमिताभ से तुलना किया जब वो यंग हुआ करते थे, जब वो एनर्जेटिक हुआ करते थे, जब वो काफी स्ट्रांग हुआ करते थे, जब वो बहुत हेल्दी हुआ करते थे, तो आज की अमिताभ को काफी तो चोट पहुंची है, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिर्फ 30% लीवर के सहारे जी रहे हैं। पिछले 30 सालों से अस्थमा पेशेंट है वो, लीवर प्रॉब्लम है उन्हें, हेपेटाइटिस बी का उन्होंने सामना किया है। किसी तरह उनको दूसरा जीवन दान मिला था जब पूरी फिल्म के एक्सीडेंट के दौरान उन्होंने सामना किया था बहुत ही बड़े हमले का। आज अमिताभ बच्चन किसी प्रकार अपने कारोबार को संभाल तो रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा कहा जाता है कि वो रिटायरमेंट ले लें। अब 80 की उम्र है, जिन्हें आंखों की भी एक बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, धुंधलापन का सामना अमिताभ ने 2 बार किया है। जी हाँ, मायस्थेनिया ग्रेविस नाम की आंखों की बीमारी की वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम रही है, जिसके कारण उन्हें सर्जरी तक करानी पड़ी। बैकबोन का सामना उन्हें करना पड़ा, बैकबोन में प्रॉब्लम का सामना उन्हें करना पड़ा है। तमाम तकलीफों के बावजूद अगर वो आज हमारे भी झुंड जैसी फिल्मों में नजर आते हैं, तो उनके बारे में डेथ हॉक्स वायरल करना काफी तकलीफ देह है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के परिवार में अमिताभ ही नहीं ऐश्वर्या को भी तमाम हॉक्स का सामना करना पड़ा है। किस तरह की खबरें बच्चन परिवार को परेशान करती है, फिलहाल एक बार फिर ये खबर आई है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन के निधन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, दूसरी तरफ हम आपके बीच कुछ और भी खबर लेकर आए हैं परिवार को लेकर, जिसे जरूर सुनकर आपको झटका लगेगा। बच्चन परिवार के दिन शायद अच्छे नहीं है फिलहाल। जी हाँ, जिस तरह से अमिताभ बच्चन को लेकर ये खबर आई कि उन्होंने तुलना पर अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दिया, ऑल आर्टिस्ट आर इक्वल, डोंट गिव कंपैरिजंस। जी हाँ, जब व्यूअर्स उन्हें कंपेयर कर रहे थे बाकी एक्टर से, तो अमिताभ बच्चन को काफी गुस्सा आया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि तुलना ना किया जाए। जी हाँ, यहाँ पर लोगों ने कहा है कुछ इस तरह से, अरे भाई साहब, शरीर अब इतना नहीं कर सकता, स्नेह प्यार और आप सब का साहस गाड़ी को चलाने योग्य बना देता है। दरअसल यहाँ लोगों ने कहा, पिछले 53 साल में कुछ भी नहीं बदला, अमिताभ बच्चन जी रिमेन्स मोस्ट लवेबल बाय झुंड ऑफ ऑल वेल विशर सिंस 1969, मे गॉड कंटिन्यू ब्लेसिंग गुरुदेव अमिताभ बच्चन जी। तो यहाँ अमिताभ ने अपने बुढ़ापे पर दर्द छलकाया है और कहा कि कंपेयर मत कीजिए। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, ट्विटर पर आए दिन अमिताभ बच्चन अपनी बातें कहते हैं, अमिताभ को किसी से तुलना किया जाए अमिताभ को पसंद नहीं आता है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि नागराज मुजुले को लेकर उन्होंने कहा, हमको लगा कि हम उनके सामने नए हैं, ये अमिताभ बच्चन ने कहा। बहुत ज्यादा वो भावुक नजर आए, 10 करोड़ के मार्क पर झुंड बॉक्स ऑफिस के 6ठे दिन पहुंच गई है। आमिर खान रो पड़े अमिताभ की एक्टिंग को देखने को लेकर। तो इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे अमिताभ बच्चन को लेकर और जो खबर आई है। जी हाँ, यहाँ पर अमिताभ बच्चन से को स्टार ने पूछा था कि रोते कैसे हैं। इस पर अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया था, Who were given limited time to learn that craft? जी हाँ, झुंड के लिए यहाँ पर बताया था उन्होंने। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने बताया अपने पेन के बारे में। उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसे सर्कमस्टांसेस का सामना किया है जो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, और आंखों में दर्द लेकर आंसू को छुपाना नहीं बल्कि बयां करना उनकी मजबूरी भी रही है। उन्होंने कहा कि काफी समय तक वो अपने आंखों के आंसू को बचा कर छुपा कर रखते थे। झुंड फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा कि दर्द ने कई बार रुलाया, कई बार हंसाया भी है। फैंस से उन्होंने कहा, ऑल आर इक्वल। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन को लेकर बहुत ही ज्यादा अजीब खबर आई।
अमिताभ बच्चन को लेकर एक खबर आई। अरशद बाशी ने बताया अमिताभ बच्चन प्रोडक्शन कंपनी को लेकर कि किस तरह से अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो उन्होंने अबेंडन कर दिया था उन्हें लॉन्च करने के बाद। ये अमिताभ बच्चन ने खुद ही स्टेटमेंट दिया, कोई भी ऑफर उन्हें नहीं मिला था और वो बहुत शॉक थे कि मेरे काम किसी को पसंद आ रहे हैं या नहीं। मेरे पास कोई फिल्म नहीं था उस वक्त हाथ में। राजू हुरानी से पूछा था क्या मैं अच्छा काम नहीं करता, उन्होंने कहा मैं एक्सीलेंट हूँ तो मुझे फिल्म क्यों नहीं मिलता, श्रद्वासी ने बताया था। अमिताभ बच्चन के बारे में कहना चाहूँगा, मैंने करियर की शुरुआत ABCL अमिताभ की कंपनी से की। जॉय अगस्तन के जरिए प्रोफेशन में आया लेकिन मुझे छोड़ दिया गया, क्यों छोड़ा पता नहीं, क्यों अमिताभ के बच के अंदर काम करने पर उन्हें लोगों ने छोड़ दिया था, काफी तकलीफ झेलनी पड़ी थी। ये आप सबको बताना चाहेंगे फिर से अमिताभ बच्चन को लेकर, ये आप सबको बताना चाहेंगे अमिताभ बच्चन को लेकर जो फिर से एक अफवाह उड़ी है इसके बारे में। जी हाँ, अफवाह ऐसी उड़ी है कि अमिताभ बच्चन जो है सो काफी ज्यादा बीमार रहे हैं और इसलिए उनकी तस्वीर ऐसी वायरल की गई है कि आंखें उनकी बंद हैं। अफवाहें उड़ाई गई हैं उनकी निधन की, लेकिन अमिताभ बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, और ये सबको आपको बताना चाहेंगे, उन्हें लेकर अफवाहें हमेशा उड़ाई जाती हैं। अमिताभ बच्चन को लेकर फेक वीडियो भी वायरल किया गया था जिसे देखकर काफी ज्यादा बच्चन परिवार हैरान रहा। जी हाँ, वही आपको बता दें, बच्चन परिवार से एक खबर आई, नव्या नवेली नंदा एक्टर नहीं बनेगी। ये बच्चन परिवार से फिलहाल खबर आई हुई है, बताना हम आप सबको चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। लंबे करियर में अमिताभ बच्चन ने कभी भी माधुरी दीक्षित से काम नहीं किया क्योंकि उनके साथ उनकी बॉन्ड नहीं बनी थी, फिल्में उस तरह उन्हें नहीं मिली थी। क्या आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन के निधन की जो खबरें आ रही हैं उसके पहले लोग क्यों चिंतित थे, क्योंकि फैंस को उनके ट्वीट ने चिंतित कर दिया था। हार्ट पंपिंग कंसर्न्ड एंड द होप, ये लिखा था उन्होंने, लोग काफी डर गए थे। अमिताभ बच्चन से कहा था हार्ट पंपिंग, देन प्लीज सजेस्ट करने की जरूरत है, प्लीज सर आप अपना ख्याल रखिए, ऐसा मत कुछ कहिए, हम बहुत डर जाते हैं। ये आप सबको बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन को लेकर लोगों ने अपना डर जाहिर किया था, ये सब शायद आप सबको मालूम ना हो। अमिताभ बच्चन से जुड़ी जब अफवाहें फैलाई जाती हैं अमिताभ काफी निराश हो जाते हैं जिस तरह की अफवाहें लोग फैला देते हैं। क्या आप सबको ये बात मालूम है कि अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ राज ऐसे भी खुले हैं जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में हर मुसीबत का सामना किया। उनके निधन की अफवाहें जो है पहली बार नहीं उड़ी है, अमिताभ बच्चन के निधन के अफवाहें से पहले भी कई बार उड़ी है, पहले भी कई स्टार जैसे कि मुमताज, विनोद खन्ना, इन सब के निधन की अफवाहें उड़ी थी और यहाँ तक कि माधुरी दीक्षित तक की निधन अफवाहें उड़ी थी, ऐश्वर्या राय बच्चन की भी। अब इसमें अमिताभ बच्चन को लेकर एक बार फिर से फेक खबर जो है वायरल किया गया। साल 2017 की बात करना चाहेंगे जब 19 जनवरी की तारीख थी, एक निधन की खबरें उनकी तस्वीरों के माध्यम से फेक खबर जो है वायरल कर दी गई थी। ये बताया गया था बहुत ही ज्यादा अजीब बात अमिताभ बच्चन के घर पर ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कि बहुत ही ज्यादा कोशिश ऐश्वर्या ने की थी अपनी जान गंवाने की। ऐश्वर्या को लेकर भी इस तरह की खबरें जब वायरल की गई थी लोग काफी ज्यादा चौंक गए थे। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के निधन की खबरों ने सभी को क्यों चौंकाया, क्योंकि लोगों ने इस तरह की खबरों को तवज्जो दिया, लोगों ने इस तरह की फेक न्यूज़ पर तस्वीरें शेयर की। अब यहाँ पर अभिषेक बच्चन को भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई जब उनके पिता को लेकर इस तरह की अफवाहें उड़ाई गई थी 2017 में कि अमिताभ बच्चन नहीं रहे। 23 फरवरी साल 2016 की बात करेंगे तब अमिताभ बच्चन के निधन की खबरें व्हाट्सएप के जरिए वायरल किया गया था। ये लिखा गया था 11 बजे की तारीख है 23 फरवरी साल 2016 को अमिताभ बच्चन चले गए हैं, ऐसी अफवाहें उड़ाई गई जिनका 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में जन्म हुआ। और अफवाहें उड़ाकर लोगों ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए हर किसी को गुस्सा दिलाया था क्योंकि अमिताभ बच्चन के निधन की खबरों से
काफी ज्यादा लोग टूटे थे। देखिए जरा व्हाट्सएप चैट में, क्रिटिकल कंडीशन में वो कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में है, लोगों ने इस तरह की बातें की थी और ऐसे उनके निधन की खबर व्हाट्सएप में वायरल कर दी गई थी। तो जाना आप सभी ने बिग बी की फैमिली की बात की, ऐश्वर्या भी इस तरह के हॉक्स का शिकार हो चुकी है कि उन्होंने अपनी जान गंवाने की कोशिश की थी बच्चन परिवार में झगड़े की वजह से। अमिताभ से जुड़ी अफवाहें तो साल 2017 में भी जनवरी फरवरी में वायरल हुए और देखिए 2022 पांच साल बाद फिर ऐसी ही प्रॉब्लम का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि दर्शकों को सच्चाई मालूम हुई होगी कि हॉक्स का सामना करना सेलिब्रिटी के लिए कितना तकलीफदेह है। फिलहाल के लिए वक्त हो गया इजाजत लेने का, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।